लैंडस्लाइड वहां पे होता है जनरली उन एरिया में जहां पे कि पहले हिस्ट्री है, फास्ट में हिस्ट्री है वहां पे होता है। अगर आप ऐसे कहीं एयर बाई इस नियर बाई के एरिया में रह रहे हो तो आपको मडस्लाइड भी हो सकता है, खाली लैंडस्लाइड भी मडस्लाइड हो सकता है, कीचड़ भी आ सकता है। देखा था ना वीडियो में कीचड़ बहुत सारा रह के जाता है ऐसे एरिया में, कीचड़ मिट्टी पत्थर पहाड़ सब टूट के जाते हैं। तो लैंडस्लाइड में खाली पानी नहीं आता भैया, बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं। क्या होता है और इसका पता भी लग जाता है, लैंडस्लाइड का पता लग जाता है आवाज की वजह से, क्योंकि जब पत्थर आते हैं ना ऊपर से तो एक दूसरे के साथ रगड़ते आते हैं, बड़ा बड़ बड़ूम बड़ूम बड़ा बड़ बड़ूम बड़ूम, ऐसे दूर से पता लग जाता है कि हाँ कुछ बड़ा केस आज होने वाला है। ये देखिए अगर लैंडस्लाइड होगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। क्यों होगा? वायर जाएंगे, जितने भी टावर होंगे बिजली के इलेक्ट्रिकल के संचार के साधन सारे के सारे ठप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सब कुछ तो जमीन पे खड़ा था ना भैया, और वो जमीन कोलैप्स हो गई, सब चीज नीचे आ गई, सप्लाई कट हो गई तो बचेगा ही कुछ। जब आपने देखा था केदारनाथ की वीडियो के अंदर, उसमें क्या दिखाया था कि 4 दिन के बाद गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर आया था चेक करने के लिए, उनको पता ही नहीं लगा कि कम्युनिकेशन टूट चुका था। 4 दिन के बाद वो नीचे से ऊपर आया, जब नीचे जब जहाँ पे एरिया रहता है वहां से 22 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर। कितना? 22 किलोमीटर। कौन आदमी पैदल जाएगा भैया रोज देखने के लिए कि हाँ क्या सीन चल रहा है? और ऊपर कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, फोन मिलते नहीं है, टावर थे तो वो टावर गिर गए तो फोन किसको मिलेगा? 4 दिन के बाद गवर्नमेंट को पता लगा था कि इतनी बड़ी कांड हो चुका है, तब लोगों ने फिर एक्शन लेना शुरू किया, तब लोगों को और भी तब पता लगा जब ऊपर से बह रह के सब लोग नीचे पहुंच गए। मलबा कारे बहुत बड़ा एरिया में बता रहा हूँ, इतने बड़े खाई थी, खाई भर के ऐसी पार्किंग बन चुकी है एकदम सपाट, इतना हजारों मीटर का एरिया पूरा का पूरा कवर कर दिया मड के साथ, में मिट्टी के साथ, कचरे के साथ, पत्थरों के साथ, पहाड़ों के साथ, पूरा का पूरा एरिया आके भर गया। 1-1 किलोमीटर की गहरी खाई ऐसी बन गई जैसे था ही नहीं, आपको कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा प्लेन कर दिया बिल्कुल जैसे ये सरफेस है। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत सारी हो जाती है लैंडस्लाइड की वजह से, तो बहुत सारी जान जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म हो जाता है, क्योंकि रोड टूट गए, बह गए रोड, आपका जो हाउसेस हैं और जो बिल्डिंग है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं जब जब भी लैंडस्लाइड होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये सीखना है कि लोकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्या है। लोकल इमरजेंसी क्या है? तो आपने जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो आपने ये चीज पता करनी है कि भैया गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स हैं जो कि इन एक्ट के तहत हमारी मदद कर सकते हैं। अगर कुछ हो गया तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDM है, उसको NDM बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, वो लोग आके, NDRF भी है, वो लोग आते हैं और आपको रेस्क्यू करते हैं। तो रेस्क्यू करते हैं, वो लोग ट्रेन रहते हैं इस चीज़ के लिए, भैया अगर कुछ इमरजेंसी होगी, बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, तब क्या करोगे? तो वो आते हैं वहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं, उनकी टीम होती है पूरी की पूरी, तो वो हेल्प करते हैं, उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके रखिए, कहीं से भी कोशिश कीजिए उनसे कॉन्टैक्ट करने की, भाई ऐसे ऐसे बात है साहब, हमारे केस में हमारे एरिया में ये हो गया, आप जरा हमारे पास आइए और बचाइए। बात करनी है सबको, जितने भी वहाँ पे घर हैं उनको सबको बताएं कि भैया लैंडस्लाइड हुआ है, अपना बच के रहो और होने वाला है तो निकल लो यहाँ से। प्रैक्टिस करनी है, इवैक्यूएशन प्लान बनाना है अपनी फैमिली के साथ। आपने देखा होगा उस वीडियो के अंदर क्या बोल रहे थे, बार बार लोगों के पास जीने का रास्ता नहीं बचा है, तो लोग जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे। लोग जान बचाने के लिए क्यों? क्योंकि नीचे जितना नीचे जाता जाएगा फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाएगी, जितना नीचे जाता जाएगा उतना फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाएगी, तो लोग ऊपर जा रहे थे वापस ये लैंडस्लाइड होने के बाद। उसके बाद में असेंबल करना है सबको एक जगह पे, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस की किट बांट देनी है। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस की किट हमने देखा था ना, क्या क्या होना चाहिए अपना, फर्स्ट एड, मेडिसिन, खाना पीना, कैश, ठीक है, ये चीज़ आपके हमेशा रहनी चाहिए। उसके बाद आप फेमिलियर हो जाओ जिस एरिया में आप लोग रह रहे हो, उस एरिया के बारे में फेमिलियर हो जाओ और समझो उस एरिया में कैसी कैसी सिचुएशन अराइज हो सकती है।